तो स्वागत है दोस्तों आपका YouTube चैनल साइबर सुरक्षा में। पिछली बार वाले वीडियो को आप लोगों ने देखा और समझने की कोशिश की। इस बार हम कुछ एक नए टाइप के फ्रॉड को लेकर के आए हैं। इस फ्रॉड के बारे में हो सकता है कि आपको जानकारी हो, आप उस फ्रॉड को जानते हो, लेकिन मैं ये दावे के साथ बोल सकता हूँ कि अगर इस फ्रॉड को आप नहीं जानते हो और आप इसके चक्कर में फंस गए तो मैं आपको ये बता सकता हूँ कि आपका बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। इस फ्रॉड को जानना बहुत जरूरी है। इसको आगे चलते हैं, समझते हैं, वीडियो को देखते हैं और जानते हैं कि वो क्या फ्रॉड है जो इस तरह का फ्रॉड, मतलब अगर इसकी जानकारी आपको नहीं होगी तो जानकारी के अभाव में आप फंस सकते हैं। सीधे चलते हैं, वीडियो को देखते हैं, समझते हैं क्या है मामला। ये एक नया फीचर अभी आप देख रहे होंगे कि अभी दीपावली की शॉपिंग चल रही है, बहुत लोग जो है इधर उधर से चीजों को खरीद रहे हैं। तो साइट हो या शॉप, शॉपिंग से पहले करें गूगल सर्च पे शॉपिंग। क्या है गूगल सर्च पे, हम क्यों शॉपिंग करें, क्या चीज ये बताने की कोशिश कर रहा है और इससे कैसे हम फंस सकते हैं, ये क्या साइबर फ्रॉडस्टर इसमें चेंजेस लाते हैं जिसमें हम फंस सकते हैं। तो गूगल सर्च पे अगर शॉपिंग करते हैं तो उससे क्या नुकसान हो सकता है और कितना सेफ है, समझते हैं इसको। हाउ सेफ इट इज टू सर्च ऑन गूगल फर्स्ट। अगर हम गूगल पे किसी चीज को सर्च करते हैं तो कितना सेफ है, देखिए अभी हाल फिलहाल में एक हमारा एक क्राइम हुआ था जो राजस्थान के एक हमारे जो जानकार थे, उन्होंने क्या किया कि सांगानेरी गेट राजस्थान में एक जगह है जहां पे उन्होंने क्या किया, SBI के ब्रांच पे उनको कुछ पैसे की जरूरत थी, पैसे जमा करने की जरूरत थी। उन्होंने क्या किया, सांगानेरी गेट ब्रांच का एक नंबर उन्होंने खोजा, उन्होंने गूगल सर्च किया, गूगल सर्च करके कस्टमर केयर का नंबर खोजा, कस्टमर केयर का जो नंबर है उसको फिर सर्च किया। उन्होंने सर्च करने के बाद उन्होंने क्या किया कि उस नंबर पे उन्होंने कॉल किया, कॉल जो उठाने वाला व्यक्ति था उन्होंने सारा सर्विस उनको प्रोवाइड कराया, बसरते एक गलती हुआ कि वो जो सर्विस प्रोवाइड कराने वाला व्यक्ति था वो खुद साइबर फ्रॉडस्टर था और उनका भारी नुकसान हो गया। हमने उसको पकड़ा, आगे आपको वीडियो में मैं दिखाऊंगा भी कि किस तरह से उससे रिकवरीज हुई और किस तरह से उसने अपना नंबर को गूगल पे सर्च का जो नंबर है सर्च इंजन पे वो कस्टमाइज किया हुआ था। इस फ्रॉड को हमने नाम दिया है, उसका नाम है गूगल कस्टमाइजेशन फ्रॉड। तो गूगल कस्टमाइजेशन का यहां साफ मतलब ये हुआ कि गूगल पे अपना नंबर कस्टमाइज करना, वो पूरा प्रोसेस क्या होता है, वो फ्रॉडस्टर कैसे उस पर कस्टमाइज करते हैं, वो मैं आपको सिक्योरिटी पर्पस से बता तो नहीं सकता, बट मैं आपको उससे अवेयर कैसे रहना है, कैसे आप अपनी जो ठगी होने से अपने आप को बचा सकते हैं वो मैं आपको जरूर दिखाता हूं। नेक्स्ट वीडियो देखिए, होता क्या है कि एक बंदा अगर शॉपिंग करता है तो वो क्या करता है कि या तो इंटरनेट पे या फिर कंप्यूटर के थ्रू शॉपिंग करता है, जो हमने पहले दिखाया कि गूगल सर्च पे शॉपिंग। होता क्या है उसके बाद, अगर उसके प्रोडक्ट में कोई डिफेक्टिव प्रोडक्ट आ जाए, साइज मिसमैच हो जाए, पेमेंट इशू हो जाए, प्रोडक्ट मिसमैच हो जाए, डिलीवरी इशू, उनको कोई भी इशू आता है, वो क्या करते हैं, वो सीधा कस्टमर केयर खोजते हैं। हम आजकल देखते हैं कि फेसबुक से हम लोग बहुत ज्यादा जो है शॉपिंग करने लगे, इंस्टाग्राम से शॉपिंग करने लगे। इंस्टाग्राम में लोग जो है कि सस्ती चीजों के चक्कर में, बहुत ज्यादा महंगा चीज है, एप्पल का कोई फोन है वो 5,000-4,000 में दे रहा, कोई OLX में जो फ्रॉड होते हैं, मैं उस पर फिर बाद में कभी बताऊंगा आपको, उस तरह के जो फ्रॉड होते हैं वो सारा उसका जो जड़ है वो यहाँ है। ये बंदे ने फिर क्या किया, इसको प्रॉब्लम हुई, इस तरह के कोई भी प्रॉब्लम हो सकता है, इसके अलावा भी आपको कोई प्रॉब्लम हुआ, उस बंदे ने क्या किया कि कस्टमर केयर नंबर को सर्च किया, कस्टमर केयर नंबर सीधे गूगल पे सर्च किया, सर्च करने के बाद ये फ्रॉडस्टर जो है उसने अपना नंबर कस्टमाइज करके रखा था। कस्टमाइजेशन के बाद इन्होंने तुरंत क्या किया, इसने बात जो किया वो कस्टमर केयर से नहीं, वो बात करते हुए साइबर फ्रॉडस्टर से बात किया। साइबर फ्रॉडस्टर उसे पता भी नहीं है कि इसने अपना नंबर कहां कहां कस्टमाइज कर रखा है, उसे कुछ नहीं पता, वो सिर्फ आपसे ये पूछता है कि आपका क्या प्रॉब्लम है। आप जैसे बताओगे ये प्रॉब्लम है, बोलेगा अच्छा सर आपका मैं पेमेंट जो है रिफंड कर देता हूं, मैं तुरंत आपको पेमेंट रिफंड करता हूं, उसके लिए आपको एक ना ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा, ये यही बात बोलता है। आप लोग कभी इस तरह का कोई बात बोले आप तुरंत सतर्क हो जाइए, कोई साइबर क्रिमिनल ने अपना नंबर वहां कस्टमाइज कर रखा है। तो ये किया कि ये जो फ्रॉडस्टर है उन्होंने बोला कि एक छोटा सा ऐप सर जाइए प्ले स्टोर में, AnyDesk 6 MB का ऐप होता है, तुरंत डाउनलोड हो जाता है। इन्होंने इससे AnyDesk जो स्क्रीन मिररिंग ऐप होता है वो डाउनलोड करवाया। डाउनलोड कराने के लिए सिर्फ AnyDesk ही नहीं और भी है, AnyDesk है, टीम व्यूअर है, क्विक रिस्पॉन्स है, एयरड्रॉइड है, बहुत सारे इस तरह के स्क्रीन मिररिंग टू व्यू जो होते हैं ना कि आप भी उसको देख सकते हैं, मैं भी उसको देख सकता हूं। एक साइबर फ्रॉडस्टर क्या करता है कि इसको ले लिया इनको AnyDesk पे, इन्होंने इनका डिटेल पूछ लिया, अब इनको बोलेगा, दो तीन तरीके से वो फ्रॉड करते हैं, या तो उनको बोलेगा कि आप अपने जो है कि फोन के सामने अपना जो अपने कैमरा है उसके स्कैनर में जाइए, आप कुछ मत कीजिए, आप कार्ड को स्कैन कर लीजिए दोनों तरफ, एक वो तरीका फ्रॉड करने का। दूसरा तरीका ये क्या करता है कि आपके गैलरी में तुरंत एंटर कर जाता है,
वो गैलरी में एंटर करके, अगर आपने कभी, ये बहुत बड़ी गलती करते हैं लोग कि कार्ड का फोटो खींच के रखते हैं, चाहे वो स्कैन वाला कैम स्कैनर हो और या फिर वो आपका कोई गैलरी हो उसमें आपने अपना कार्ड नंबर रखा। एक हमारे साथ हमारा एक केस आया था जिसमें उसने उन्होंने क्या किया था, ICICI का कार्ड जो है उन्होंने उस पर स्कैन करके दोनों साइड रखा था, लाखों रुपए का नुकसान उनको झेलना पड़ा था। यही वो मिरर स्क्रीन मिररिंग जो ऐप के थ्रू उन्होंने फ्रॉड कर, मैंने जो फ्रॉडस्टर थे उन्होंने फ्रॉड किया था। तो ये चीज जानना बहुत जरूरी है आपको कि आप अपने गैलरी में कोई भी ऐसा क्रेडेंशियल्स, कोई भी ऐसा पासवर्ड मत रखे, क्योंकि स्क्रीन आपका मिरर है। अब क्या होगा कि जैसे वो शॉपिंग करेगा किसी भी तरह से, या कैश विड्रॉ करेगा शॉपिंग करने के बाद, या फिर अपने बैंक में डलवा कर या किसी म्यूल अकाउंट में वो पैसा डलवा के विड्रॉ करता है, अगर आपको ये लगता है कि हम इसको तो OTP देने रहे, तो आप इस गलत फहमी में ना रहे, आपका स्क्रीन मिरर है। जैसे वो परचेस करेगा वो दोनों चीज रखता है, लैपटॉप भी रखता है मोबाइल फोन भी रखता है, जैसे वो परचेस करेगा OTP आपके मोबाइल पे आएगा, चूंकि स्क्रीन मिरर है वो तुरंत OTP को स्क्रीनशॉट लेकर के अपना आपका जो है विड्रॉ कर लेगा, आप इस चक्कर में फंसिएगा और आपका पेमेंट निकल जाएगा। तो इस तरह से जो भी अगर आपको कस्टमर केयर के नंबर को आप सर्च करते हैं तो उससे कैसे हम उसको बच सकते हैं, क्यों हम गूगल पे सर्च करते हैं, और गूगल पे सर्च करने पे हमको फ्रॉडस्टर के ही नंबर मिलेंगे ये जरूरी तो नहीं है। बात बिल्कुल आपकी सही, आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं, लेकिन अधिकतर नंबर को वहां कस्टमाइज किया जाता है। वो यहां से साइबर फ्रॉडस्टर ने एक नया तरीका को इजाद किया है, आप लोगों से माफी चाहूंगा कि मैं उस चीज को बता नहीं सकता कि वो क्या कर रहा, वो मुझे पता है, हमारी टीम को पता है, वो गलती करते हैं, हम लोगों ने पकड़ा भी है। नेक्स्ट दिखाते हैं कि किस तरह से आप इसको, इससे बच सकते हैं, क्या है, कुछ है, इसको जानना आपको बहुत जरूरी है। इस तरह से जो ये शॉपिंग में आप लोग फंस रहे हैं, अभी बहुत ज्यादा शॉपिंग हो रहा है फेसबुक से, इंस्टाग्राम से, और अलग अलग एप्स हैं, बहुत सारे प्लेटफॉर्म से जहां से शॉपिंग कर रहे हैं, और जब भी कोई प्रोडक्ट डिफेक्टिव होता है, कोई प्रॉब्लम होता है, तो हम तुरंत क्या करते हैं, सर्च इंजन चाहे वो गूगल हो चाहे किसी में भी हम लोग सर्च करते हैं, फ्रॉडस्टर का नंबर हमारे पास आता है, हम उसको कॉल करते हैं ये सोच करके वो कस्टमर केयर है, और ये इस तरह से हम ठगी के शिकार हो जाते हैं। तो इसको समझते हैं कि वो जो सांगानेरी गेट वाला एग्जांपल मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले दिया था, वो क्या है वो सांगानेरी गेट वाला एग्जांपल, कि किस तरह से कस्टमाइज किया हुआ था नंबर फ्रॉडस्टर ने और उसमें लोग फंसे, देखते हैं इसको। देखिए ये SBI सांगानेरी गेट आपको दिख रहा होगा, इस पे एक नंबर था, ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ये फ्रंट पे आ रहा था, लोग यही सोचेंगे कि ये कस्टमर केयर का नंबर है 829863। ये नंबर को हमने ब्लर नहीं किया क्योंकि इसको हम लोगों ने पकड़ लिया, ये वही नंबर है जो ये मोबाइल है, इसको हम लोगों ने पकड़ा। पकड़ने के बाद जो हमारी रिकवरीज थी ये कुछ इस तरह से थी, उस बंदे के पास मिला फ्रॉडस्टर के पास, और ये बंदा हम लोगों ने यहाँ झारखंड से पकड़ा था। ये नंबर कहाँ का है, सांगानेर कहाँ है, राजस्थान में, राजस्थान के नंबर को कस्टमाइज यहां से बंदा ऑपरेट कर रहा था। ये इस तरह के लोग फ्रॉड करते हैं, आप लोगों को बिल्कुल सतर्कता से, ये एक बार SBI सांगानेर गेट में आप गए और ये नंबर आया, कॉल का ऑप्शन था, बंदे ने कॉल किया, कॉल करने के बाद उनका अमाउंट बहुत ज्यादा विड्रॉ हो गया, तुरंत उसने पैसा निकाला और ये जो है उसके पास से रिकवरीज हुई, ये पैसे की कुछ रिकवरीज है, लैपटॉप SBI का कार्ड है, इनके पास इतना चीज रिकवर हुआ। और उसी का एक एग्जाम्पल और देता हूं कि ये एक नंबर है 690, ये नंबर जो है आप देख सकते हैं कि SBI कार्ड में या IRCTC में, फोन पे पे, भीम ऐप पे, पेटीएम पे, ये सारे जगह पे इसने अपना ये नंबर कस्टमाइज किया हुआ है। तो ये कस्टमाइज्ड नंबर होते हैं जो कि फ्रॉडस्टर कस्टमर केयर के नंबर के जगह पे उसे बदलकर ये चढ़ा देते हैं। मैं आपको ये नहीं बता सकता कि वो होता कैसे है, क्योंकि वो अगर मैं यहां बता दूं तो इसका मिसयूज किया जा सकता है। तो अब आगे देखते हैं इससे बचना कैसे है, इसको समझते हैं, बहुत तरीके से समझते हैं कि इससे बचने के मेरे पास कितने उपाय हैं, हम कैसे इससे बच सकते हैं, क्योंकि हमारे पास तो ऑप्शन नहीं है। हम तुरंत इंटरनेट पर गूगल करते हैं, गूगल करके नंबर खोजते हैं, नंबर खोजने के बाद हम तुरंत जो क्या करते हैं कि सबसे पहला काम ये करते हैं कि वो उस नंबर पे हम कॉल करके तुरंत जो है अपना डिटेल, क्योंकि आदमी खुद परेशान है, उसको डिफेक्टिव प्रोडक्ट मिल गया है, उसके साथ कुछ वो फंस गया है, पेमेंट इश्यू आ गई है, तो वो क्या करता है, वो चाहता है कि कस्टमर केयर हेल्प करे, कस्टमर केयर सर्विस देते हैं, लेकिन उसका फायदा फ्रॉडस्टर उठाते हैं। बचना कैसे, इसको समझते हैं। देखिए इसमें जो बचने के तरीके हैं, भीम ऐप या फिर कोई भी ऐप है, आप उसको समझिए बिल्कुल, इस चीज को अपने दिमाग में डाल लीजिए। हर ऐप ने अपना एक कस्टमर केयर नंबर खोल रखा है। कैसे, देखिए भीम ऐप में गए, आपने सर्च बटन को स्टार्ट किया, उसमें अबाउट अस में गए, यहाँ पे आपको असिस्टेंस का नंबर दिया, आप इस पे कॉल करोगे तो भीम के कस्टमर केयर के नंबर से आप बात हो जाएगा। आप इजी वे में खोजना चाहते हो, गूगल सर्च करते हो, ये नंबर आपको गूगल पे नहीं मिलेगा, या मिलेगा भी तो आपको पता नहीं चल पाएगा कि वाकई में टोल फ्री नंबर किसका वहां पे डाला हुआ है, और आप फंस सकते हो। आप यहाँ पे सर्च करो, यहाँ पे आप वेबसाइट भी है इनका दिया हुआ, आप क्लिक करोगे, ये सारा मैं जो बताया हूँ ये भीम ऐप के ही पार्ट है। इसी तरह मैं आपको आगे दिखाता हूँ, ये गूगल पे का है।
गूगल पे के हेल्प एंड फीडबैक सेक्शन में आप जाइएगा, गेट हेल्प कीजिएगा, कॉन्टैक्ट गूगल पे इंडिया कस्टमर केयर, यहाँ पे कस्टमर केयर का नंबर आपको दिख रहा होगा। ये कस्टमर केयर का जो नंबर है ये नंबर एक्चुअली जेन्युइन नंबर है, यहाँ पे कस्टमाइज नहीं किया जा सकता, ये एप्स है। इसी तरह कुछ और दिखाता हूं आपको, फोन पे आप जाते हैं, फोन पे क्वेश्चन मार्क है, फोन पे गए, यहाँ पे कॉन्टैक्ट योर बैंक भी है और अदर भी है। अगर आपको कोई ग्रीवांस से कोई इशू है आप डायरेक्टली यहाँ से फोन पे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। यहाँ पे आपका कॉन्टैक्ट योर बैंक है, कॉन्टैक्ट योर बैंक में आप देख सकते हो कोटक महिंद्रा, स्टेट बैंक से लेकर यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया, अधिकतर बैंक आपको आपके फोन पे ही अवेलेबल है। आपका जो सिक्योरिटी है वो आपके साथ है, आप इस तरह से किसी भी तरीके से आप फंस नहीं सकते अगर आपको इन सब चीजों के बारे में जानकारी है। अगर आप कोई चीज प्रोडक्ट परचेस करते हैं तो हम क्या करते हैं, नॉर्मली गूगल सर्च करके उसका कस्टमर केयर खोजते हैं। मैं बार बार इसी बात को इसलिए रिपीट कर रहा हूं कि आप गूगल सर्च करके कस्टमर केयर का नंबर ना खोजें। आपको क्या करना है, उसका ऐप डाउनलोड करना है। पहली बात तो आपको इधर उधर कहीं से भी कुछ भी परचेस करने की जरूरत नहीं है, कोई सस्ता में सामान आपको दे रहा है, अगर आपको ये लगता है कि आप तेज हैं और आपको ये चीज पता है कि हम यहां से जल्दी परचेस कर सकते हैं, तो इस गलत फहमी में ना रहे कि हमको कोई चीज सस्ता मिल जा रहा है, मैं बगल वाले को बता सकता हूं कि मेरे पास भी आईफोन है, एप्पल फोन है, इन सब चक्कर में ना पड़े। अगर आप पड़ते हैं तो आपका बहुत भारी नुकसान आपको झेलना पड़ सकता है। नेक्स्ट देखते हैं, इसी तरह के जो कस्टमर केयर के नंबर है Amazon Prime में भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे लिखा हुआ चैट विद कस्टमर सर्विस। आप Amazon का अगर आपके पास Amazon ऐप है, Amazon से कोई प्रॉब्लम हुई आप यहाँ जाइए। गो आई बीबो में आपको प्रॉब्लम नहीं, फ्लाइट वाला मैं बहुत देखता हूँ कि फ्लाइट उनका कैंसिल करना हो, फ्लाइट का अगर उनका टिकट फंस गया हो या फिर पेमेंट कर रहे हो तो उसमें देखिये पेमेंट करने समय यूपीआई के कुछ ऑप्शन आते हैं। यूपीआई के बारे में पहले बता चुका हूं, अगर आप लोगों में से किसी को लगता है ऐसा कि यूपीआई के बारे में आपको जानना है तो कमेंट सेक्शन में हमें बताएं कि यूपीआई के फ्रॉड के बारे में मैं आपको फिर फर्दर बताऊंगा। क्योंकि पुराना फ्रॉड है उतना डिटेल में मैं पहले भी बताया हूं लोगों को, अगर आप चाहोगे तो मैं वीडियो बनाऊंगा, अदरवाइज मैं फिर दूसरे नए टाइप के फ्रॉड पर बनाऊंगा। आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना यूपीआई फ्रॉड पर मैं आपको कुछ बता सकता हूं, हो सकता है वो आपके लिए नया हो लेकिन मुझे लगता है चूंकि वो पुराना है इसलिए हम लोग उसको ज्यादा ये नहीं कर रहे, बट आप बताओगे तो आपके ये पे मैं बताऊंगा। मेरा सोल पर्पस है, हमारी पूरी झारखंड पुलिस का अवेयरनेस ही सोल पर्पस है। उसी के बाद फ्लिपकार्ट है, फ्लिपकार्ट में भी आप देख सकते हो कि 24/7 कस्टमर सर्विसेज है। IRCTC में भी यही इसी तरह से है। इस तरह से चीजों को आपको समझना बहुत जरूरी है कि क्या है। अब ये इसको हम लोग यही एंड करते हैं, इसको समझने की आपको मैं बताया हूं पीछे, आप इसको समझो, आप इसको लोगों को बताओ कि कस्टमर केयर का अगर नंबर आपको सर्च करना है तो ऐप के थ्रू करें, इधर उधर से परचेज ना करें। कोई भी शॉपिंग करना हो, शॉपिंग अभी आप बहुत ज्यादा कर रहे हैं, आप नहीं जा रहे हैं शॉप पे, आप ऑनलाइन परचेज कर रहे हैं, बिल्कुल सतर्कता से बिल्कुल सही साइट का सर्च करके आप शॉपिंग करें। ऐप के थ्रू शॉपिंग करना ज्यादा फायदेमंद है, अगर आप ऐप के थ्रू, मैं रिकमेंड बहुत ज्यादा नहीं करता हूं ऑनलाइन परचेजिंग, आप डायरेक्ट गूगल से सर्च करो साइट, लेकिन चूंकि गूगल ने एक फीचर दे रखा है कि आप उससे प्राइस कंपेयर कर सकते हो, वो फीचर वो है, या वो ये नहीं है कि आप वहां से प्रॉब्लम में फंसो तो फिर आप गूगल कस्टमर केयर का नंबर खोजो। उसको फ्रॉडस्टर अपना नंबर कस्टमाइज कर लिया है और कस्टमाइज करने के बाद वो आपको ठग रहा है, तो उससे बचने के लिए ये वीडियो को समझिए और इसको देखिए, इससे सीखिए, लोगों को बताइए, अवेयर कीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।